Hey, what's up everybody? My name is Karan and welcome back to my channel again. My channel name is Exam Dapli. Hopefully आप लोग बहुत बेहतर होंगे, अच्छे होंगे, अपनों अपनों का ध्यान रख रहे होंगे, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है guys. चलो जी, आज का डिस्कशन क्या रखा हुआ है वो मैं आप लोगों को सबसे पहले बता देता हूँ. आज का डिस्कशन हम लोग जो पूरे वीडियो में करेंगे, एक तो सीट मैट्रिक्स को लेकर हमारा डिस्कशन है और दूसरा जो डिस्कशन है अपना इम्पोर्टेंट जो है वो डिस्कशन है कि अब क्या आगे इन फ्यूचर पॉसिबिलिटीज बनती हुई हमें दिखाई देती है. ये दोनों चीज़ों पर ही एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन अपना होने वाला है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले अगर मैं डिस्कशन की बात कर लेता हूँ तो सीट मैट्रिक्स को हम लोग पकड़ लेंगे और सीट मैट्रिक्स के बाद जो अब कुछ डेट्स जो कि अनऑफिशियल वेबसाइट्स पे आ रखी है वो भी एक मेरे को लगता है वो टेंटेटिव नहीं, वो एकदम एग्जैक्ट डेट्स है, तो उनको भी हम लोग एक बार डिस्कशन करेंगे. तो वीडियो लास्ट तक देखिए अगर आप उनसे जुड़ना चाहते हैं, काउंसलिंग करवाना चाहते हैं. बहुत ही नॉमिनल मैंने क्लासेस रखे हुए हैं, उस वो पे कर आप उनसे इंडिविजुअली काउंसलिंग भी करवा सकते हैं. और इंडिविजुअल काउंसलिंग करने का टाइम है अपना 8 बजे के बाद, तो 8 बजे बाद हम लोग वापस से टेलीफोनिकली सारी की सारी चीज़ें डिस्कशन कर सकते हैं. साथ ही साथ आज मैंने सोचा यार चलो टेबल कुर्सी को हटाया जाए, थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम हो गई थी यार एक्चुअली, उसमें क्या हो गया पता नहीं क्या हो गया था, तो एक्चुअली जगह भी थोड़ी सी चेंज की है, तो हम लोग इन फ्यूचर अभी फिलहाल के लिए कुछ दिन ऐसे ही बैठ के बात करेंगे. बढ़िया घर पर जैसा बैठते हैं, क्या दिक्कत है इसमें. नहीं तो चलो जी, तो अब देखो आप लोगों ने देखी होगी अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ, तो जैसे मैं पहले कह रहा था कि भैया बहुत सारे चेंजेस आएंगे, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने कहा था नहीं नहीं भैया कोई चेंज नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा. तो अगर आप तो खैर ठीक है, तो अगर आप अब मैं बताऊं कि अगर आप सीएस की बात करोगे, मैं कोशिश करूंगा लेफ्ट में सारी चीजें आपको दिखाऊं, कि अगर नहीं भी दिखा रहा हूं तो मैं एग्जैक्ट डेटा आपको देख के बता रहा हूं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है. तो अगर मैं बात कर लेता हूं आरवी की, तो आरवी में 27 सीट्स खाली है. एनआई मैसूर की बात करता हूं 11 सीट्स, एमएस रमैया की 7 सीट साइबर सिक्योरिटी में, एमएस रमैया की अगर देखोगे तो 5 सीट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, मैंने सुना है कि कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग में 18 सीट और दयानंद सागर की 18 सीट, दयानंद सागर में सॉरी जो दयानंद सागर में 21 सीट. अगर आप बात करोगे दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की कंप्यूटर साइंस एंड डिजाइन की 4 सीट, बीएमएस में 37 सीट और बीआईटी इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी में 23 सीट्स. ये लगभग हम लोग सीएस की सीट्स की बात कर रहे हैं, जनरल मेरिट से मैं बात कर रहा हूँ, तो इतनी सीट्स यहाँ पे लगभग खाली है. अगर मैं बात कर लेता हूँ कि इसके बाद जो दूसरी प्रेफर्ड ब्रांच है वो अपनी आती है सीएस के बाद, वो आ रही है अपनी आईएससी. तो आईएससी की अगर मैं देखूं तो आईएससी भी काफी सारे, जैसे बैंगलोर की बात करूं, बीआईटी की बात करूं तो 19 सीटें वहां खाली हैं, बीएमएस की बात करता हूं तो बीएमएस में 8 सीटें खाली हैं, दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की बात करता हूं तो 7 सीटें वहां पे खाली हैं, एमएस रमैया की बात करता हूं 13 सीट वहां पे खाली हैं, आरवी की बात करता हूं 3 सीट और एनआईई की मैं बात कर लेता हूं तो वहां पे भी 13 सीट. तो कुल मिलाकर देखिए काफी सारी सीट यहां पे वैकेंट है, जो कि पहले राउंड में जब सीट मैट्रिक्स आई थी तो वहां पे उस समय ये वैकेंट नहीं था, जबकि मैंने उस समय भी कहा था कि अभी आप लोगों की एक वैकेंसी एक सीट मैट्रिक्स अभी और आएगी जो कॉलेज अलॉट होने के बाद या मतलब डिसीजन के बाद जो आप लोगों ने वहां पे मतलब आफ्टर कंप्लीशन डिसीजन मेकिंग का जो होता है वो यहां पे आती है और वो यहां पे आई हुई है. ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है कि सीट अभी वैकेंट है और कट ऑफ डेफिनेटली ऊपर जाएगी, तो ये एक पॉसिबिलिटी है. तो कितनी ऊपर जाएगी उसके लिए एक डिटेल वीडियो में बनाऊंगा, तो उसके लिए आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चाहे तो आप शेयर भी कर सकते हैं. अब कुछ डेट्स जो आई हैं वो डेट्स मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हुआ चलता हूँ. इंपॉर्टेंट डेट्स तो सबसे पहले कि आप लोगों को अपनी कब तक अपनी एडिटिंग कर सकते हैं. कब से बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन था कि भैया जो नए कॉलेज जो एडिट करने वाले थे या नए कॉलेज जो जोड़ने वाले थे वो हम कब से वहां पे जोड़ सकते हैं. तो देखो उसकी क्या है, डेट आ गई है और 8 बजे मतलब मॉर्निंग की 8 बजे से 9 दिसंबर को मॉर्निंग की 8 बजे से और 10 बजे तक है ना, 5 PM 10 बजे तक आप ये लोग कर सकते हैं. दूसरा है पब्लिकेशन ऑफ राउंड टू में जो पब्लिकेशन है ऑफ अलॉटमेंट फेज वन का जो अलॉटमेंट है वो किन के लिए है उस पर आपको गौर करने की जरूरत नहीं है, वो एचआर के तुलु कम्युनिटी के लिए, तो उसका आपको ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है. पब्लिकेशन राउंड ऑफ फेज टू जो यहाँ पे अलॉटमेंट है जनरल मेरिट के लिए वो कब होगा, 15 दिसंबर से यहाँ पे दिखा रखा है और 11 बजे से ये शुरू होगा. अब इसमें डिसीजन मेकिंग जो इसका जो अलॉटमेंट का जो रिजल्ट है ये आ जाएगा. और देखो इसमें जो तारीख दी हुई ना 8 जो इसमें तारीख दी हुई 9 से 10, तो इसमें सारे ही बच्चे अपनी एडिटिंग कर सकते हैं. ठीक है जी, तो ये हो गया. अब इसके बाद 15 को अपना रिजल्ट आ जाएगा. 15 के बाद 15 से लेकर 21 तारीख तक 21 दिसंबर तक आपके आप जो भी आपका डिसीजन है, आपको सीट एक्सेप्ट एंड अपग्रेड करनी है, एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट करनी है, फ्रीज करनी है अब, या फिर आप लोगों को कॉल काउंसलिंग से ऑप्ट आउट होना है, तो वो भी वहां पर ऑप्शन मिल जाएगा. सरेंडर फैसिलिटी भी इन्होंने दी हुई है. सरेंडर फैसिलिटी जो आपको मिलेगी वो मिलेगी कब से, 15 से 20 तारीख तक आपको सरेंडर फैसिलिटी भी यहाँ पे अवेलेबल यहाँ पे है. रिपोर्टिंग टाइम भी बता देता हूँ कि 15 से 21 के बीच में जैसे ही आपको कॉलेज मिल जाता है, कॉलेज अलॉट हो जाता है, आपने फ्रीज कर लिया, फ्रीज सिर्फ और सिर्फ फ्रीज कैंडिडेट जो है आपने फ्रीज कर लिया, तो फ्रीज के बाद आप कॉलेज के दर्शन करने भी वहां पे जा सकते हैं. रिपोर्टिंग फिलहाल ऑफलाइन ही रही हुई है, इन्होंने यहाँ पे ऑनलाइन रिपोर्टिंग कुछ नहीं दिया हुआ है. कैंडिडेट्स आर एडवाइस टू चेक
with the respective college for the time and reporting and make the travel arrangements in advance to report the college. अब देखो इसमें क्या है, अगर आपको जो अब इसमें कैसे प्ले करना है, देखो अगर आपको पहले दिन लग गया, आपको प्रोविजन आपने रेटिंग कर दी, एडिटिंग के बाद आपको पता चल गया कि भैया 15 को रिजल्ट आ गया है और 15-17 जो इन्होंने टाइम दिया है, तो 15 से 17 के बीच में क्या टिकट करवा लो अभी से, 15-17 के बीच में टिकट करवा लो। और टिकट करवाने के बाद क्या करो, टिकट करवाने के बाद ये कर लो कि उसको जो कैंसिलेशन जो कैंसिलेशन जो ऑप्शन है ना वहां पे रहता है, वो कैंसिलेशन ऑप्शन अपने को लेके चलना, उसके 500 रुपए या 700 रुपए कुछ अलग से लगते हैं, तो वो कैंसिलेशन वाली चीजें अपने साथ लेके चलो, ठीक है। वो कैंसिलेशन वाली जब चीज आप अपने साथ लेके चलोगे तो उसका बेनिफिट क्या होगा, उसका बेनिफिट सबसे ज्यादा ये होगा कि अगर अपनी 5-7 हजार रुपए की टिकट है या 14 हजार रुपए अपने लग रहे हैं माता पिता को ले जाके, मतलब पिताजी को ले जाके, तो होगा क्या कि 500 या 1000 रुपए में अपनी वो कैंसिल भी हो जाएगी अगर अपने को जाना है, और नहीं जाना है तो क्या होगा, अपने पैसे बच जाएंगे, जाना है तो कोई दिक्कत ही नहीं, नहीं जाना है तो अपने पैसे बच जाएंगे। तो इसको इस तरीके से प्ले करो। जनरली बहुत सारे लोग ये नहीं बता रहे, लेकिन क्योंकि यार देखो कहीं ना कहीं पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसा बहुत जरूरी है और बहुत मेहनत से पैसा बनता है, तो इसलिए मैं आप लोगों को ये बार बार बता दे रहा हूं कि ये पॉलिसी आपको जरूर ले लेनी है वहां पे रिफंड वाली, ठीक है। तो ये पूरी डेट्स हो गई, तब तक के लिए अब आने वाले टाइम पे हम लोग वीडियो बनाएंगे, फिलहाल के लिए अभी अपना सेटअप यही है, तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सेटअप चल रहा, काम चलना चाहिए अपना। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।